स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 1.1 के कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट मैं आपको एक सेट दिया है, 1 से 10 तक की डिजिट्स लिखी हैं और रिलेशन आपको दिया है, ऐसे रिलेशन दिया है कि जो सबसेट बन रहे हैं उसका एक क्वेश्चन है 2x - y। 2x - y मीन्स 2x = y, यानी अगर आप x का डबल करते हैं तो आपको y मिलेगा। तो रिलेशन कैसे बनेगा, अगर हम x को 1 लेते हैं तो y इसका डबल होना चाहिए, तो 1 का डबल क्या हो जाएगा 2। अगर हम 2 लेते हैं तो y डबल होना चाहिए, 3 लेते हैं तो y डबल यानी 6 होना चाहिए। ऐसे 4 लिया तो 8 आया, 5 लिया तो 10 आया, अगर 6 लेंगे तो 12 होना चाहिए, लेकिन डिजिट आपके 10 तक ही है तो वो सबसेट आपका नहीं आएगा। तो रिलेशन केवल इसमें इतने में बनेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 1, अगर हम इसको ले रहे हैं तो 1, 1 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, दैट मीन्स 1 इज़ नॉट रिलेटेड एट 1, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी दोनों ही एलिमेंट आपके बराबर नहीं है। अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है R में तो सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 भी बिलोंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें 2, 1 नहीं आ रहा है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। नाउ सपोज कि अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है और 2, 4 बिलोंग कर रहा है, तो अब 1 का रिलेशन 4 से बनना चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं 1, 4 आपका नहीं बन रहा है, यानी 1, 4 इज़ नॉट रिलेटेड एज R, नॉट बिलोंगिंग टू R, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं एक्चुअली। 3 में रिलेशन आपको ऐसे दिया है कि एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर हैं और इक्वेशन दिया है 2x + y = 41। 2xy = 41, तो यहाँ से अगर हम y निकाल लें, अगर हम y को कंसिडर करें तो y = होना चाहिए 41 - 2x। अब x की वैल्यूज रखते जाएंगे नेचुरल नंबर में, हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y आपका आ जाता है 2 × 2, 41 में से 2 जाएगा 39, ऐसे 2 रखा तो y आपका आ गया, यहाँ कैलकुलेट करेंगे 2 × 4 माइनस होगा 37, यानी 2 के गैप पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी 3 रखेंगे 35, 4 रखेंगे 33, 5 रखेंगे 31, ऐसे हम रखते चले आए तो 20 पे 1 आ गया। अब अगर हम 21 रखते हैं तो नेगेटिव जाएगा, लेकिन ये नेचुरल नंबर है इसलिए आगे नहीं बनेगा रिलेशन। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। डोमेन फाइंड करना है तो डोमेन आपका 1 से लेकर के 20 तक की डिजिट हो जाएगी। रेंज फाइंड आउट करना है तो रेंज में जो वैल्यूज आपकी आ रही हैं 39 तक, है ना, रेंज पूरी नहीं, 41 तक नहीं होता पूरा, यानी वाई की सारी वैल्यूज नहीं होती, जितने का रिलेशन बनेगा वही आपका होगा, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7 से लेकर के 39 तक, तो ये आपका आर एफ हो जाएगा। अब कोई एक वैल्यू लेते हैं, देखते हैं, अगर 10 रख रहे हैं 21, 11 रख रहे हैं तो 21 यहाँ 19 आ जा रहा है, ठीक है, फिर 12 रख रहे हैं 17, 13 रख रहे हैं 15, 14 रख रहे हैं 13, अब 15 रख रहे हैं तो 11, ये 15 से कम हो जा रहा है, यहाँ अभी यहाँ भी वैल्यू कम हो रही है, यहाँ 13 क्या है स्मॉलेस्ट, 13 रख रहे हैं तो 15 आ रहा है, अभी डिजिट ये पड़ी आ रही है रेंज, लेकिन 14 रखते हैं तो डिजिट कम आ गई, 15 रखते हैं तो डिजिट और कम आ गई, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ 11 रखने पे 19 आ रहा था, 15 रखने पे 11 आ रहा है, कंसीडर करते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए, अगर 11 है तो दूसरी डिजिट भी 11 होना चाहिए, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और सिमेट्रिक होने के लिए अगर 11, 19 आपका बिलोंग कर रहा है R में तो 19, 11 भी होना चाहिए, लेकिन 19, 3 हो रहा है, 19, 11 नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर 11, 19 आपका बिलोंग कर रहा है और 19, 3 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 11, 19 और फिर 19, 3, तो 11, 3 बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में कहीं भी 11, 3 नहीं आया है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो इक्विवेलेंट रिलेशन आपका नहीं बनता। 3 नंबर देख लेते हैं, एक सेट आपको दिया है, R ऐसे दिया है कि a - b का मॉड निकालते हैं तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल में क्या है कि 5 और 6 का नहीं बनेगा, क्योंकि 5 - 6 आपका क्या होता है 1 आता है, ये 2 नहीं आ रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 और 7 का आपका बनेगा, 5 और 9 का बनेगा, ये 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। ऐसे 6 से बनाना शुरू करें तो 6 और 8 का बनेगा, 6 का और किसी के साथ नहीं बनेगा, 7 और 5 का बनेगा, 7 और 9 का बनेगा, 8 से बनाए तो 8 और 6 का बनेगा, है ना, फिर और किसी से नहीं बनेगा, 9 से बनाए तो 9 और 5 का बनेगा, 9 और 7 का बनेगा, साथ में 5 का 5 से भी बन जाएगा, क्योंकि 5 - 5 0 होता है, 0 भी 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे 6 का बनेगा, 7 का 7 से बनेगा, 8 का 8 से बनेगा, 9 का 9 से बनेगा। अब चेक करते हैं इक्विवेलेंस, क्योंकि 5, 5 यानी यहाँ दोनों ही वैल्यूज बराबर हैं, a, b यानी a और a दोनों बराबर हो गए हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरी चीज़ देखते हैं, 5, 7 बिलोंग कर रहा है और 7, 9 बिलोंग कर रहा है तो 5, 9 बिलोंग होना चाहिए, 5, 9, तो देख लेते हैं ये ट्रांजिटिव के लिए है, 5, 9 बिलोंग कर रहा है या नहीं,
फाइव कॉमा नाइन भी बिलोंग कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, अगर फाइव कॉमा सेवन बिलोंग कर रहा है तो सेवन कॉमा फाइव भी बिलोंग करना चाहिए, जो कि है इसमें सेवन कॉमा फाइव, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है, तीनों होल्ड हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर रहा है। इस तरह से आपको अदर्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। डिफरेंट फंक्शन देख लेते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास दो नॉन इम्पटी सेट हैं ए और बी, और हम ए क्रॉस बी का सबसेट बना लेते हैं, यानी ए क्रॉस बी निकाल लिया हमने। अब हमें कोई स्टेटमेंट दिया होगा जिसके ऊपर हम रिलेशन निकालेंगे, स्टेटमेंट के थ्रू जो हम रिलेशन निकालेंगे वही फंक्शन होगा, ठीक है, जो सबसेट बनेंगे रिलेशन में। यानी ए क्रॉस बी में जब कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा, रिलेशन बनाएंगे, तो रिलेशन में जितने भी सबसेट आपके आ रहे होंगे वो सब फंक्शन होंगे। क्या होंगे? फंक्शन होंगे। तो ए कॉमा बी यानी एक्स कॉमा वाई करके सपोज दैट आपके पास सबसेट बन रहा है फंक्शन का, यानी रिलेशन में जो आ रहा होगा, कोई एक सबसेट हमने लिया, तो सबसेट का ये जो पहला टर्म है आपका एक्स, ये आपका डोमेन हो जाता है। क्या हो जाता है? डोमेन हो जाता है। और उसी रिलेशन में जो ये वाई होता है ये एक्स के थ्रू डिफाइंड होता है, यानी एक्स पर डिपेंड करता है, एक्स का ही फंक्शन होता है। तो यही वाई आपका क्या हो जाता है? रेंज हो जाता है। कहने का मतलब आपको रिलेशन में कई सबसेट मिलेंगे, तो जितने भी सबसेट मिलेंगे उनका फर्स्ट टर्म आपका डोमेन हो जाएगा, और उसी रिलेशन में जो सेकेंड टर्म आपको मिलेंगे वो अगर रिलेटेड है एक्स से, तो वो उनका जो सेट आपका बनेगा वो सब रेंज हो जाएगा। इन शॉर्ट, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का अगर एफ कोई सबसेट है, देन इफ ईच, कब सबसेट होगा ये? जब एक्स आपका बिलोंग करेगा ए में और वाई बिलोंग करेगा बी में, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। नाउ जब जो ये आपका वी वाई बिलोंग कर रहा है बी में, उसको इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे? ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो ए क्रॉस बी में जो वाई का, जो बी का एलिमेंट आएगा, यानी ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो कई सबसेट मिलेंगे, हर एक सबसेट में जो सेकेंड एलिमेंट आपका आएगा वो बी से रिलेटेड होगा, यानी बी पे बिलोंग करेगा, वो इमेज होगा। लेकिन जब हम रिलेशन निकाल लेंगे तो रिलेशन में, रिलेशन निकालने के बाद यानी कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा ए क्रॉस बी पर, तो हम रिलेशन में कुछ सबसेट हमारे आ जाएंगे, उन सबसेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डीएफ होगा आपका, और उन्हीं सबसेट का जो रिलेशन के ओवर बनाया जाएगा जो सेकंड एलिमेंट होगा वो रेंज रहेगा, जिसको आरएफ से रिनोट करेंगे, ठीक है। मीन्स आप कह सकते हैं कि जो डोमेन होगा वो एक्स होगा, जबकि एक्स बिलोंग करेगा आर में, यानी रिलेशन बनाया गया होगा। रिलेशन किस पर बनाया जाएगा? ए क्रॉस बी पर बनाया जाएगा। ए क्रॉस बी क्या होंगे? ए और बी आपके दो सेट होंगे जिनका क्रॉस निकाला जाएगा ए क्रॉस बी। अब उस पर कोई स्टेटमेंट दिया होगा जिसमें हम रिलेशन आर बनाएंगे, उस रिलेशन में जितने भी सबसेट आएंगे उसमें जो आपका पहला एलिमेंट एक्स होता है उसको डोमेन कहेंगे, उनका जो सेट बनाया जाएगा वो डोमेन हो जाएगा। और जो दूसरे एलिमेंट आपके आते हैं एक्स कॉमा वाई करके, वाई उसको एफ एक्स डिनोट करते हैं, वही आपके सारे क्या, उनका सेट क्या हो जाएगा? रेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आपको दिए गए हैं यहाँ पर कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं और ए इज़ लेस देन बी, ठीक है, और तो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी अगर आपका लेस देन है जीरो से, मीन्स एक्स क्या है, एक्स आपका बड़ा है ए से और छोटा है बी से, यानी एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, तब क्या होगा? एक्स इज बिलोंग टू ए बी, यानी एक्स बिलोंग करेगा ए और बी में, ठीक है। अगर इक्वल टू जीरो भी है तो क्लोज इंटरवल लग जाएगा, ठीक है। और अगर यही चीज़ ग्रेटर देन है आपका एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है, देन ए इज ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन एक्स, ए क्या होगा? एक्स से बड़ा होगा, और एक्स क्या होगा? बी से बड़ा होगा, ठीक है। ये इस कंडीशन में क्या होगा? जो आपका एक्स करेगा बिलोंग, वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से ए तक, और यूनियन होगा बी इन्फिनिटी, बी से इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल में। अब एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर जीरो आ जाता है, तो या तो ए बड़ा होगा या बराबर होगा एक्स से, यानी या तो इधर एक्स ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, और या फिर इधर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो जाएगा। इस कंडीशन में एक्स बिलोंग करेगा आपका ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल ए तक, यूनियन क्लोज इंटरवल बी से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, ओके। कुछ एक न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है एफ सच दैट एक्स टेंस टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू, यानी एफ एक्स की वैल्यू आपकी है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू, वेर एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स एक रियल नंबर है। हमें फाइंड करना है थ्री का इमेज अंडर एफ, यानी एफ एक्स दिया है तो एफ थ्री फाइंड करना है ना। एफ एक्स जो आपका होता है वो इमेज होता है एक्स का,
ठीक है। तो अब थ्री, यहाँ हमें थ्री पर हमें इमेज निकालना है, तो थ्री रख देंगे एक्स की जगह पे, वैल्यू 47 आंसर आ जाएगा। एफ थ्री इंटू एफ टू निकालना है, एफ एक्स मालूम है, एक्स की जगह पे एक बार थ्री रखेंगे ये वैल्यू आएगी, एक बार टू रखेंगे ये वैल्यू आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 22 दिया है, तो एक्स निकालना है, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 5x² + 2 विच इज इक्वल टू 22, 2 इधर लेके जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2, -2, इस तरह से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, यहाँ हमें डोमेन फाइंड करना है, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है। अब डोमेन क्या होता है, रियल नंबर है, अगर डोमेन रियल नंबर होता है तो एफ एक्स में ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि सभी ये नंबर आपका एक रियल नंबर अगर डिनोट कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो रियल नंबर नहीं रहेगा, दैट मीन्स x² - 8x + 12 इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फैक्टराइज करेंगे तो x - 2 × x - 6 आएगा इसका, यानी x - 2 × x - 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। वैल्यू निकालेंगे तो दैट मीन्स x = 2 and x = 6 होना चाहिए। कहने का मतलब जितना डोमेन, जो डोमेन आपका आएगा वो सभी रेंज होगा f के बराबर, जितने भी रेंज आएंगे सभी एलिमेंट होंगे बस 2 और 6 को छोड़ के, यानी 2, 6 को छोड़ के जितने भी रेंज आएंगे आपके पास सभी डोमेन हो जाएंगे।